नियमित GSTR 1 और 3 बी रिटर्न नहीं भरने वाले व्यापारी अब ईवे बिल नहीं बना सके, ऐसी सिस्टम तैयार कर दी गई है। इसकी सुविधा पोर्टल पर शुरू की गई है। हालांकि कोरोना के समय घोषणा तो की गई थी, लेकिन इसको लागू अभी तक नहीं किया गया था। आज से इसका नियम लागू करके पोर्टल पर इसके मुताबिक व्यवस्था की गई है। व्यापारी द्वारा ईवे बिल बनाया जाए तो माल बिक्री के लिए और अपने GST नंबर के साथ जिस व्यापारी को माल बेचना हो उसका GST नंबर भी लिखना होता है। माल के लिए GST विभाग द्वारा दिए गए HSN कोड भी लिखना पड़ता है, जिससे रिटर्न भरा जाए तब वे ईवे बिल के आधार पर ही GST पोर्टल पर ही ऑटो पॉपुलेटेड होकर रिटर्न में वह दर्शाया जाता है, जिससे GST रिटर्न नियमित नहीं भरने वाला व्यापारी ईवे बिल बना सकेगा, ऐसी घोषणा की गई थी। हालांकि आज से पोर्टल पर यह सुविधा शुरू की गई है, जिसके कारण व्यापारी GST नंबर डालने के बाद उसे GSTR 1 और 3 बी रिटर्न नियमित भरा है या नहीं इसके सिस्टम द्वारा जांच करने के बाद ही ईवे बिल बना सकेंगे। अगर 2 या इससे ज्यादा रिटर्न नहीं जमा किए जाने पर ईवे बिल बना नहीं सकेंगे।